हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे स्लैब सनसेट जो छज्जा बोलते हो, तो इसमें सरिया कैसे प्रोवाइड करना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है छज्जा। अगर छज्जे में रिइंफोर्समेंट कमी हो जाती है तो आपका छज्जा क्या होता है, नीचे लटक भी जाता है। तो उसमें क्या क्या सावधानी, क्या क्या दे रही है, क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान में देने होते हैं। सबसे मेन पॉइंट होता है आपका सेटरिंग। सेटरिंग कम से कम इस वाले फेज से कोशिश करनी चाहिए कि ये जो स्लैब है, अगर स्लैब की 1.5 इंची है यहाँ पे, अगर स्लैब की जो थिकनेस है 6 इंची है, तो कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे इस पोर्शन पे कम से कम 7 इंची या फिर 8 इंची इसको कर देना। ये जो लटक होती है इसको कोशिश करनी चाहिए कि इसको कम कर दे, ये वाले कम को। इससे क्या होगा, जो टेपर्ड जो सनसेट है, छज्जा है, वो क्या हो जाएगा, एक टेपर्ड हो जाता है। टेपर्ड होने से ये फायदा रहेगा कि जो एंड सपोर्ट होता है, जो एंड में वो जो थिकनेस होती है और साइड में जो थिकनेस होती है, कम जो 6 इंच रहेगी लास्ट में और साइड और यहाँ पे स्लैब की थिकनेस रहेगी 7 इंच 8 इंच, वो एक क्या करता है, बीम सी का प्रोवाइड करता है, बीम का काम कर देता है। इससे छज्जा बेंट अप मतलब जो इफेक्ट होता है वो नहीं आता है, नीचे लटक नहीं बनती है। दूसरा पॉइंट, अगर स्लैब में इस तरह से मतलब लेवल ले ही देते हो, तो कोशिश करना है कि जो छज्जा है वहाँ से एंड सपोर्ट से छज्जा मिनिमम 1 इंची उठा रहे ऊपर से, इस वाले फेस से। या अगर यहाँ पे 0 लेवल है तो वो 1 इंची कम से कम उठा रहे, 1 इंची से आपका 1.5 इंची तक सेटरिंग में। दूसरा पॉइंट हमें देखना है कि अगर आपके पास जो बीम आ रही है, हमारे पास कंटिन्यूस बीम है, उधर भी कंटिन्यूस बीम है और ये भी कंटिन्यूस बीम है, तो कंटिन्यूस बीम जाती है हमारे थ्रू आउट जाती है आगे। यहाँ पे जाने के बाद ये कंसील्ड बीम हो गई, इसको बोलते हैं आप हिडन बीम, ये कंसील्ड बीम हो गया। तो जो आप कंटिन्यूस बीम का जो रेनफोर्समेंट आ रहा है, मेन बार आ रहा है, वो आगे जाके ही टॉप का जो बार है, बॉटम का बार यहाँ पे आके एल हो चुका है, और टॉप का जो मेन बार है वो आगे कंटिन्यूस होने के बाद आगे रेनफोर्समेंट आगे हो जाए। आगे होने के बाद स्लैब की जितना भी छज्जे की दूरी यहाँ पे 4 फीट है, ठीक है, तो 4 फीट जितने भी आप साइड पर लेते हो, तो ये कंसील्ड हो जाएगी। तो जो लोड का इफेक्ट है वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बीम के ऊपर, तो ये बीम हो जाएगा। ये 4 बार जितने भी प्रोवाइड करना है, मैक्सिमम ज़्यादा इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है, 4 बार हमारे टॉप में हो गए। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो बीम कंसील्ड बीम होती है, जो कैंटिलीवर बीम होती है, उसका जो टेंशन रेनफोर्समेंट होता है टॉप में होता है, और कंप्रेशन जो रेनफोर्समेंट होता है वो बॉटम में होता है। तो रेनफोर्समेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा डाया का ज़्यादा रेनफोर्समेंट कहाँ पर लेंगे, टॉप में, और बॉटम में लेंगे हम कम लेते हैं, ठीक है, ताकि जो टेंशन रेनफोर्समेंट है वो टॉप में होता है और कंप्रेशन हमारा बॉटम में होता है। तो ये हमारा कंटिन्यूस उसमें चले गया है, ठीक है। और जो हम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करें, जैसे बीम से हमने एक्स्ट्रा बार इसके फेस से हमारा ये ज़्यादा मैक्सिमम जाले लेना, ये हमारा 2 मीटर हो गया है, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो इफेक्ट है, जैसे इसको क्या करेगा, ये टेंशन करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा, वो टॉप का क्या कहाँ करता है, ये टॉप से जो टॉप का बार होता है वो खींचता है, तो टेंशन हुआ, तो ये क्या हुआ, टॉप के एक्स्ट्रा बार को खींचेगा, अगर लोड को इस पर लास्ट में इफेक्ट पड़ता है तो ठीक है, तो वो टॉप में एक्स्ट्रा बार हम इस तरह से ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। बॉटम का बार, टॉप का बार कंटिन्यूस हो गया है और बॉटम का नीचे जाके वहाँ पे एक्स्ट्रा हो चुका है, और इसमें भी हमने स्पेसर बार प्रोवाइड कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे किया इसमें 20 mm का स्पेसर बार, तो स्टैंडर्ड कोड क्या कहता है, 20 या फिर 25 mm का हम इसमें स्पेसर बार, इसको गुल्ला बोलते हो आप, इस पर गुल्ला बोलते हो, या फिर इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्पेसर बार। टॉप बार और एक्स्ट्रा बार के जो बीच में डिस्टेंस बनाए रखने के लिए उसको गुल्ला या फिर स्पेसर बार बोला जाता है। ये स्ट्रप्स प्रोवाइड करेंगे, ये भी अल्टीनेट होने चाहिए, ठीक है। दूसरा बात हमारा स्लैब रेनफोर्समेंट। अब स्लैब रेनफोर्समेंट के बारे में जानेंगे कि जो स्लैब रेनफोर्समेंट है, देखिए यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा बार, ये क्या हुआ, ओवरलैपिंग लेंथ, तो ये ओवरलैपिंग लेंथ हो गया, ये हमारा स्लैब का रेनफोर्समेंट आया। स्लैब में हमें क्या करना है, स्लैब के रेनफोर्स में हमेशा एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इसमें स्लैब में एक चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, सबसे पहले ये बॉटम में किया है, ये बॉटम में इसलिए किया है क्योंकि जो ये बॉटम में जो रेनफोर्समेंट है, ये हमारा काम हुआ है बीम के ऊपर प्रोवाइड हुआ है। अगर आपके साइड पर कोई बीम नहीं है, तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि जो स्लैब का रेनफोर्समेंट आ रहा है इसको नीचे प्रोवाइड करना चाहिए, जो ये स्लैब है, ये रेनफोर्समेंट है, इसको नीचे प्रोवाइड करना चाहिए, इसको बोलेंगे मेन बार, और जो ये वाला जो रेनफोर्समेंट है इसको टॉप में करना चाहिए प्रोवाइड,
पहले ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होना चाहिए, उसके बाद ये वाला इसके ऊपर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होना चाहिए। और ये वाला जो मैस है टॉप मैस, मतलब डबल जो ऊपर का जाल है वो सही है, ये जाल नीचे ही आता है और ये जो सरिया है ये ऊपर ही आता है टॉप का। बट लेकिन जो बॉटम रेनफोर्समेंट है इसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले ये वाला रेनफोर्समेंट आना चाहिए, उसके बाद ही ये वाला इसके ऊपर रेनफोर्समेंट आना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो स्लैब का जो रेनफोर्समेंट होता है इसके ऊपर भी जो टेंशन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट जो लोड इफेक्ट करता है, इसके ऊपर जो टेंशन होता है इसके ऊपर लोड आने पर इफेक्ट होता है नीचे की तरफ, तो ये क्या खींचता नहीं है। तो इससे ऊपर जो रेनफोर्समेंट होता है इसके ऊपर जो क्रॉस करते हैं तो उससे काफ़ी जो जाल का जो कॉन्क्रीट जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो इसमें हमेशा छज्जे में कभी भी आप सिंगल रेनफोर्समेंट ना प्रोवाइड करें, डबल रेनफोर्समेंट ही प्रोवाइड करें स्लैब के ऊपर जो छज्जा होता है। ठीक है, तो टॉप मैस और बॉटम मैस, टॉप का मैस हमारा पीछे तक चला गया है हमारे जो आपके एक्स्ट्रा बार तक हो गया है, तो ये हमारे कम से कम ये 1.5 फीट या दो तीन फीट, इसको मिनिमम 2 फीट तक भी इसको जस्ट पर ड्राइंग प्रोवाइड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से हम स्लैब को छज्जे का रेनफोर्समेंट इस तरह से प्रोवाइड करना है। और स्पेसिंग, इसकी स्पेसिंग हमारे पास 4 इंची, ये वाली 4 इंची स्पेसिंग है और ये वाली स्पेसिंग है 200 mm, जो ये वाली 200 mm है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग 200 mm और ये आपकी 4 इंची हो गई। मेन बार एंड क्रॉस बार, मेन बार क्रॉस बार, क्रॉस बार की 200 है, ये आपकी 100 या फिर 125 भी आप ले सकते हो, उसमें 5 इंची या 5 इंच या फिर 4 इंच एज पर ड्राइंग। तो छज्जे पर रेनफोर्समेंट थोड़ा ज़्यादा लेंगे और कंक्रीट की स्ट्रेंथ, और इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि वाइब्रेटर है जो कंक्रीट के अंदर, यहाँ पे वाइब्रेटर लगाएंगे तो अच्छे से वाइब्रेटर लगाएं, अच्छे से इसमें वाइब्रेटर प्रोवाइड करना है। देखियो कहाँ स्लैब कहाँ जा रहा है, ये सरिया कहाँ जा रहा है, जब इसमें रेनफोर्स कंक्रीट वाइब्रेटर लगाएंगे तो पता नहीं कहाँ जाएगा। और दूसरी मिस्टेक यहाँ पे देखिए कितना मिस्टेक है, यहाँ पे जो सरिया रखा है ना, ये सरिया बिल्कुल भी कवर नहीं मिल रहा है आपको, मैं दिखाता हूँ ये वाला जो सरिया है, इस सरिया में बिल्कुल भी साइड बिल्कुल कॉलम के लास्ट में आ रहा है, कहाँ से दिखेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो इस कॉलम कास्टिंग, स्लैब कास्टिंग से पहले पहले कॉलम को मास्टरिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए और थोड़ा आगे कर ले, थोड़ा इससे थोड़ा चीज़ भी हो जाएगा तो प्रॉपरली आपको इसमें जैकल लाइन, जैकल मतलब इसमें कोई भी स्लैब के ऊपर फिर आपको जैकल नहीं लगाना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने मैं साथ मुझे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।